सैमसंग का टीवी था 43 इंच का। इसके अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू की रिसेट आईसी थी, इसको भी हमने रिमूव करके देख लिए, तब भी हमारा रिस्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं गया। बाजू में ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर 303, वो भी निकाल के देख लिए, उससे भी हमारा प्रॉब्लम रिस्टार्ट का सॉल्व नहीं हुआ। इसके अलावा पावर सप्लाई के अंदर ये ड्राई सोल्ट है, तो ड्राई सोल्ट भी हमने देख लिए, तब भी नहीं हुआ। इसके अलावा ये टिकोन के अंदर में बेल्ट इसके बेकार थे, तो बेल्ट को भी चेंज किए, टिकोन को भी साफ़ करे, और सीपीयू को हीट मारने के बाद ये चलता था, 6 घंटा चलता था खाली, और 5 घंटा 3 घंटा चलता था, दोबारा ऑन भी नहीं होता था। उसके बाद इसके ऊपर में बहुत सारे मैंने वोल्टेज मेजरमेंट करा, तो यहाँ पे जो मॉस्फेट है, यहाँ पे ये मॉस्फेट का आउटपुट 5 वोल्ट नहीं निकल रहा था, 3.3 इनपुट हो रहा था, 1.8 भी इनपुट हो रहा था, लेकिन आउटपुट 5 वोल्ट नहीं निकल रहा था। तो इसके अंदर में मॉस्फेट को ना बदलते हुए हमने सीधा मदरबोर्ड को चेंज करे, और हमने लगा दिए यूनिवर्सल वाला मदरबोर्ड, इसका डब्बा पैकिंग करके अभी सेटिंग करेंगे, और उसके बाद अभी स्पीकर को मैं जोड़ रहा हूँ। इसका सीपीयू के बगल में रैम वोल्टेज 1.5 भी चेक किया, वो भी सब आ रहे थे, सारे वोल्टेज प्रॉपर बनने के बाद, सारी वॉशिंग करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सॉफ्टवेयर करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो हमने लास्ट में बॉडी चेंज कर दी। तो इस तरीके से हमारा यूनिवर्सल मदरबोर्ड बहुत बढ़िया चलता है, और हमने ये लगा दिए है, कस्टमर को दे दिए है, और अभी ये टीवी को साल भर, 2 साल, 3 साल कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बोर्ड हमने बहुत लगाए, कोई कंप्लेंट नहीं आती इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने इसको सेटिंग कर